हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सभी आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई का कार्य सही चल रहा होगा। रेलवे ग्रुप डी को ध्यान में रखते हुए आज आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, जिसका नाम है ब्लड ग्रुप। रक्त समूह, रक्त समूह से एक क्वेश्चन, मतलब ब्लड ग्रुप से रेलवे ग्रुप डी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। उस क्वेश्चन को आपको बताने के लिए, समझाने के लिए कि आपकी समझ आ जाए और वो क्वेश्चन आप सही रूप से कर सकें, तो कुछ डिटेल आपके सामने दी गई है, इसको आप देखेंगे। सबसे पहले ब्लड ग्रुप, बात आती है इस प्रकार के होते हैं। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? ब्लड ग्रुप का फिनोटाइप क्या है? ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप क्या है? तो ब्लड ग्रुप होते हैं, ब्लड ग्रुप ए किसको दिया जाता है, ब्लड ग्रुप बी किसको दिया जाता है, ब्लड ग्रुप ए बी किसको दिया जाता है और ब्लड ग्रुप ओ किसको दिया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि ब्लड ग्रुप में सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा है, सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कौन सा है। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप क्या होता है, ब्लड ग्रुप का फिनोटाइप क्या होता है, एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है, हमारे शरीर में ब्लड की कितनी मात्रा होती है। इस टाइप से ही कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपको कुछ क्वेश्चन, ये जो थ्योरी है इस क्वेश्चन से आपको मिलेंगे। और इस थ्योरी के बाद में कुछ क्वेश्चन, हमने 50 क्वेश्चन की एक सीरीज दी है, वो क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप हैंडल कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि ब्लड ग्रुप, मतलब ब्लड ग्रुप के पिता, मतलब फादर ऑफ ब्लड ग्रुप के पिता कौन है, मतलब ब्लड ग्रुप के फादर किसको कहा जाता है, ब्लड ग्रुप का पिता किसे कहा जाता है। आप सब लोग जानते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कॉल्ड लैंडस्टीनर नामक साइंटिस्ट को। कॉल्ड लैंडस्टीनर नामक एक साइंटिस्ट हुए हैं जिन्हें ब्लड ग्रुप का पिता कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ब्लड ग्रुप के पिता किसे कहते हैं, तो फादर ऑफ ब्लड ग्रुप कौन है? कॉल्ड लैंडस्टीनर। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है आपका कि जो कॉल्ड लैंडस्टीनर हैं, इन्होंने किसकी डिस्कवरी की, मतलब ब्लड ग्रुप में इन्होंने किसकी डिस्कवरी की? एंटीजन एंड एंटीबॉडी सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप, मतलब ब्लड ग्रुप में एंटीजन और एंटीबॉडी के सिस्टम को किसने बताया? कॉल्ड लैंडस्टीनर ने डिस्कवर किया, बताया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एंटीजन और एंटीबॉडी ऑफ ब्लड ग्रुप किसने दिया या किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? तो आप बताएंगे, कॉल्ड लैंडस्टीनर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं? तो आप जानते हैं, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि ब्लड ग्रुप मुख्य 4 प्रकार के होते हैं, ब्लड ग्रुप ए बी ए बी ओ। अब एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि ब्लड ग्रुप ए और बी की खोज किसने की, ब्लड ग्रुप ए बी और ओ की खोज किसने की, डिस्कवर किसने की? तो ब्लड ग्रुप ए और बी, मतलब ब्लड ग्रुप ए और बी की, ये जो लिखा है डी ओब्लिक सी, ये होता है डिस्कवर्ड। ब्लड ग्रुप ए और बी की डिस्कवर्ड किसने की? डी कैस्टोले एंड स्टेरनी 1902 में, कि ब्लड ग्रुप ए और बी की खोज किसने की थी? डी कैस्टोले एंड स्टेरनी 1902 में की थी। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका ये ए बी और ओ की डिस्कवर्ड किसने की, खोज किसने की? लैंडस्टीनर नामक एक साइंटिस्ट हुए हैं, तो आपने कॉल्ड लैंडस्टीनर, लैंडस्टीनर नामक साइंटिस्ट ने ब्लड ग्रुप ए बी और ओ की डिस्कवर की, कब की? 1900 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन आता है आपका कि ब्लड ग्रुप कौन सा ब्लड ग्रुप किसको दिया जा सकता है, कि सर्वग्राही कौन है, सर्वदाता कौन सा ब्लड ग्रुप है। तो ये ब्लड ग्रुप आपके सामने लिखे हैं, ब्लड ग्रुप आप जानते हैं 1, 2, 3 एंड 4, 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। तो ब्लड ग्रुप ओ जो होता है, ये ब्लड ग्रुप ओ जो है,
ब्लड ग्रुप ओ क्या है? यूनिवर्सल डोनर है। ब्लड ग्रुप ओ सबको दिया जा सकता है, तो इसको कहते हैं सबदाता। ऐसे ही ब्लड ग्रुप ए बी, जो ए बी ब्लड ग्रुप है, ये ए बी ब्लड ग्रुप, ये सर्वग्राही होता है, यूनिवर्सल रिसेवाही। अब देख लेते हैं ब्लड ग्रुप कौन किसको दिया जाता है। ब्लड ग्रुप ए ए को दिया जा सकता है, और ब्लड ग्रुप ए ए बी को दिया जा सकता है। ठीक, मतलब ब्लड ग्रुप ए जो है वो ए को दे सकते हैं, और ब्लड ग्रुप ए बी को दे सकते हैं। ब्लड ग्रुप बी बी को दिया जा सकता है, और ब्लड ग्रुप बी ए बी को दिया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका ब्लड ग्रुप ए बी, तो ब्लड ग्रुप ए जो है वो ए बी को दिया जा सकता है। ब्लड ग्रुप ओ को सर्वदाता कहा जाता है। क्यों सर्वदाता कहा जा सकता है? क्योंकि ब्लड ग्रुप ओ को तो दे ही सकते हैं, ब्लड ग्रुप ए बी को भी दिया जाता है, ब्लड ग्रुप बी को भी दिया जाता है, और ब्लड ग्रुप ए को भी दिया जाता है। सर्वदाता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह ओ ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी ए बी ओ चारों को दिया जाता है। और सर्वग्राही इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ब्लड ग्रुप ए बी ए बी और ओ उनका उन सभी का ब्लड ग्रुप मतलब ब्लड को क्या करता है, ग्रहण कर लेता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सर्वग्राही कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन, ये चार्ट बनाया गया है, इस चार्ट से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि ब्लड ग्रुप आर फोर टाइप। आपसे पूछे ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं? ब्लड ग्रुप चार प्रकार के होते हैं, ए बी ए बी ओ। सेकंड क्वेश्चन पूछ सकता है आपका फीनोटाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, मतलब फीनोटाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, मतलब ब्लड ग्रुप को आप देखकर बता सकें कि ब्लड ग्रुप कितने होते हैं। तो भी आपने देखा ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, ब्लड ग्रुप फोर होते हैं, तो फीनोटाइप कितना हो जाएगा ब्लड ग्रुप का, फोर फीनोटाइप हो जाएगा। जीनोटाइप, जीन कैरेक्टर के आधार पर ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, जीनोटाइप और ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप क्या होता है? तो ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप जो होता है वो सिक्स होते हैं। किस तरह से बनते हैं जीनोटाइप और ब्लड ग्रुप, हमने कुछ बनाए हैं जीनोटाइप और ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप ए, मतलब ब्लड ग्रुप ए का जीनोटाइप क्या होता है, आई ए आई ए, सेकेंड आई ए आई जीओ, मतलब ब्लड ग्रुप ए के दो जीनोटाइप हो जाएंगे, नंबर एक ए ये जीनोटाइप, नंबर दूसरा ये जीनोटाइप, एक ये जीनोटाइप हुआ, दूसरा ये जीनोटाइप हुआ। ब्लड ग्रुप बी का जीनोटाइप, ब्लड ग्रुप बी का जीनोटाइप, एक ये जीनोटाइप हो जाएगा, दूसरा ये जीनोटाइप बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, वन और टू ये हो जाएंगे। ब्लड ग्रुप बी का जीनोटाइप ए आई बी ही होता है, तब इसका ब्लड ग्रुप ओनली एक होता है, ओ का भी एक ही होता है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः। तो इस तरह से जो ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप होता है कितने हो जाते हैं, सिक्स जीनोटाइप हो जाते हैं। अब इसको देख लेते हैं कि जब ब्लड ग्रुप एक दूसरे को दिया जाता है तो एंटीजन में क्या प्रेजेंट होता है और एंटीबॉडी में क्या प्रेजेंट होता है। ये आपके सामने ब्लड ग्रुप लिखा है, ब्लड ग्रुप ए बी ए बी ओ। एंटीजन क्या है, ए बी ए बी, और जीरो कोई भी एंटीजन नहीं होता। यदि ब्लड ग्रुप ए है एंटीजन को दिया जाता है तो ब्लड ग्रुप एंटीजन ए होता है, ब्लड ग्रुप बी एंटीजन बी के साथ ही बाइंड करता है, ब्लड ग्रुप बी एंटीजन ए बी के साथ बाइंड करता है, और ब्लड ग्रुप ओ एंटीबॉडी किसी के साथ बाइंड नहीं करता। एंटीबॉडी में क्या होता है, जो एंटीबॉडी एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप इसका उल्टा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, क्या हो जाता है, स्मॉल बी हो जाता है। और ब्लड ग्रुप बी है, बी के स्थान पे क्या आ जाता है, ए आ जाता है स्मॉल, और एंटीबॉडी में ए बी नहीं बनता, और जो ब्लड ग्रुप ओ है, ब्लड ग्रुप ओ की जगह एंटीबॉडी में क्या आ जाता है, ए बी आ जाता है। आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि एंटीजन में क्या नहीं बनता, तो आप बताएंगे एंटीजन में ओ नहीं बनता। एंटीबॉडी में पूछा जाएगा आपसे क्या नहीं बनता, तो एंटीबॉडी में आप बताएंगे ए बी नहीं बनता।
इस प्रकार से थोड़ी सी जानकारी थी ब्लड ग्रुप से संबंधित। बाकी चीज़ें आपको आगे क्वेश्चन में मिलेंगी, जो आप बहुत ही अच्छी तरह से उनको देखेंगे और वन बाय वन क्वेश्चन करेंगे। 50 क्वेश्चन हैं, आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। आगे नेक्स्ट देखें। पहला क्वेश्चन है, रक्त होता है उम्र एक संयोजी ऊतक, एक उपकलित ऊतक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए संयोजी ऊतक। नंबर टू देखेंगे, रक्त शरीर में क्या कार्य करता है। रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? ऑप्शन ए सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, तरलता बनाता है, भोजन पाचन में सहायता करता है, खड़े होने में सहायता करता है। तो रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? रक्त का शरीर के लिए मेन कार्य है सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना। इसका ऑप्शन नंबर एक सही है, ए ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री देखेंगे, एक स्वस्थ व्यक्ति में लगभग डैश रक्त होता है, मतलब एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसमें ब्लड कितने मिलीलीटर होता है? 5 से 5.5, 4 से 4.5, 3 से 3.5, 6 से 6.5 लीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 5 से 5.5। क्वेश्चन नंबर फोर देखेंगे, मानव रुधिर का पीएच होता है, तो पीएच मान, ये मानव रुधिर होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 7.2 होता है, 7.8 होता है, 6.6 होता है, या कह सकते हैं 7.7 होता है। तो इसका पीएच मान होता है डी 7.7, आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव है आपका, मनुष्य के खून का, जो मानव का खून होता है मनुष्य के खून का पीएच डैश होता है कम अम्लीय होता है, अधिक अम्लीय होता है, कम क्षारीय होता है, अधिक क्षारीय होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, कम क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, मानव रक्त यदि अम्लीय हो जाए तो क्या होगा, मतलब मनुष्य का रक्त यदि अम्लीय हो जाए तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दिया है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर टू दिया है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता कम हो जाएगी। ऑप्शन थ्री है आरबीसी गणना बढ़ जाएगी। ऑप्शन डी आरबीसी गणना कम हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन, प्रकृति कोलाइड कौन सा है, प्रकृति कोलाइड कौन सा है? ऑप्शन ए है इसु शर्करा, रक्त, सोडियम क्लोराइड, यूरिया। प्राकृतिक क्लाइड है ऑप्शन नंबर बी, इसका ठीक हो जाएगा रक्त। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर एट दिया है कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं, मतलब कणिकाएं या कार्पल्स, कणिकाएं या कार्पल्स के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं, ऊतक तरल, प्लाज्मा, सीरम, लसिका। तो उसको कहते हैं प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर नाइन है, क्वेश्चन नंबर नाइन है आपका, मानव रक्त में कोशिकीय अंश का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? 63%, 55%, 45%, 83%। तो क्वेश्चन नंबर नाइन का ऑप्शन ए बी ठीक हो जाएगा,
55%। क्वेश्चन नंबर 10। डैश एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त के आयतन का लगभग 55% होता है। प्रद्रव्य मतलब प्लाज्मा, संगठित संरचनाएं, रक्त समूह, रक्त स्कंदन। इसका आंसर ए ठीक हो जाएगा, प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 11। मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? 60 से 64, 70 से 75, 80 से 82, 90 से 92। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा डी, 90 से 92। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, निम्न में से एक प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है। हीमोग्लोबिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजन, ग्लोबुलिन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 13। रक्त का ग्लूकोज स्तर सामान्य व्यक्त किया जा सकता है HG के MM में, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में, भाग प्रति मिलियन में, ग्राम प्रति लीटर में। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा बी, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। क्वेश्चन नंबर 14 के सामने वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर mg/100 ml में होता है 200, 160, 160। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा सी, 100। क्वेश्चन नंबर 15। मनुष्य में सामान्य निरंतर रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर में होता है, ऑप्शन ए 30 से 50 mg, 50 से 70 mg, 80 से 100 mg, 120 से 140 mg। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा सी, 80 से 100 mg। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है? 80 से 120 mg, 120 से 140 mg, 140 से 180 mg, 180 से 200 mg। तो इसका आंसर हो जाएगा 180 से 200 mg। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, वयस्क मनुष्य में RBC की सामान्य संख्या होती है। जो वयस्क मनुष्य होता है उसमें सामान्य RBC की संख्या होती है, कितनी होती है RBC की संख्या? 5.5 मिलियन होती है, 5.4 मिलियन होती है, 4.5 मिलियन होती है, 4.0 मिलियन होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 17 का बी, 5.4 बिलियन होती है। क्वेश्चन नंबर 18। रक्त उत्पत्ति कहाँ होती है, मतलब हमारे शरीर में रक्त कहाँ बनता है? फेफड़े में बनता है, अग्नाशय में बनता है, जिगर में बनता है, अस्थि मज्जा में बनता है। तो रक्त की उत्पत्ति कहाँ होती है मनुष्य में? अस्थि मज्जा में रक्त बनता है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? मतलब RBC, लाल रक्त कणिकाएँ, रेड ब्लड सेल्स, RBC कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा में, हृदय में, मस्तिष्क में, फेफड़े में। तो आप जानते भी, आपने ऊपर वाला क्वेश्चन देखा, अस्थि मज्जा में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, लाल रुधिर कणिकाएँ में बनती हैं। लाल रुधिर कणिकाएँ कहाँ बनती है? नीला अस्थि में, लाल अस्थि में, श्वेत अस्थि में, काला अस्थि में।
तो इसका आंसर ठीक हो जाएगा आपका लाल अस्थि में। क्वेश्चन नंबर 21 है, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है, मतलब जो कोशिकाएं हैं वो कितने दिन तक हमारे शरीर में जीवित रहती हैं। 100 से 200 डेज, 100 से 120 डेज, 160 से 180 डेज, 150 से 200 डेज। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 100 से 120 डेज। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके सामने, पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट होती हैं, मतलब जो पुरानी हो जाती हैं या बेकार कणिकाएं हो जाती हैं वो हमारे शरीर के किस अंग में जाके नष्ट हो जाती हैं, प्लीहा में, यकृत में, आमाशय में, अस्थि मज्जा में। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ए, प्लीहा में। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के विभिन्न अंगों का ऑक्सीजन वाहक है, ऑप्शन है लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लाज्मा, तंत्रिकाएं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा लाल रक्त कणिकाएं। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाएं, मतलब जब मनुष्य काफ़ी ऊंची जगहों पर जाता है तो लाल रक्त कणिकाओं पर क्या इफेक्ट पड़ता है, जो आरबीसी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उनका आकार बढ़ जाता है, का आकार छोटा हो जाता है, कि संख्या बढ़ जाती है, कि संख्या घट जाती है। इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा ए, का आकार बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी अस्थि बन जाती है, जो रक्त में आरबीसी बढ़ जाए तो कौन सी स्थिति बन जाती है, क्या हो सकता है, एनीमिया, हीमोफीलिया, पॉलीसाइथेलिया, पॉलीसाइथेमिया, ग्लूकेमिया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पॉलीसाइथेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 26-, एक स्थिति है जिसमें रक्त में लाल कोशिकाओं की या हीमोग्लोबिन की कमी होती है, मतलब किस, ये जो कुछ रोग दिए हैं इसमें किस स्थिति में क्या होता है, लाल रक्त कोशिकाओं की कमी हो जाती है, एल्बिनिज्म में, प्रोपीरिया में, एनीमिया में, क्लाइड डिसऑर्डर में। तो 26 का आंसर हो जाएगा सी, एनीमिया में। क्वेश्चन नंबर 27 है, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं, अपर्याप्त आपूर्ति, मानव शरीर में पूर्ण रूप से रक्त पर्याप्त नहीं होता तो उसे कहते हैं इस्कीमिया, हाइपरीमिया, हीमोस्टेटिस, हिमोरेज। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा ए, इस्कीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 28, निम्नलिखित में से किसको लाल रक्त कणिकाओं की कब्रग्राह का कब्रिस्तान कहा जाता है, मतलब कब्रग्राह का कब्रिस्तान का मतलब है कि हमारे शरीर में आरबीसी कहाँ नष्ट होती हैं उसी को कब्रग्रह कहा जाता है, यकृत में, प्लीहा या तिल्ली में, अस्थि मज्जा में, आंत में। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा बी, प्लीहा या तिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 29, मानव शरीर का रक्त बैंक डैश कहलाता है, प्लीहा या तिल्ली, यकृत, हृदय, किडनी। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लीहा या तिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 है, WBC का बनना तथा RBC का विनाश होना होता है, ऑप्शन नंबर ए, लसिका ग्रंथि में, प्लीहा में, पैनक्रियाज में, यकृत में। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा प्लीहा में, ऑप्शन बी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है, अभी आपने पीछे क्वेश्चन देखा प्लीहा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 31, लाल रक्त कणिकाओं का रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है, साइटोक्रोम की, क्लोरोफिल, हीमोसाइनिन, हीमोग्लोबिन। तो इसका आंसर बहुत सीधा सा है, आप जानते हैं सब, हीमोग्लोबिन के कारण लाल रक्त कणिकाएं लाल होती है। क्वेश्चन नंबर
F32 हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है। जो हीमोग्लोबिन है उसका मुख्य घटक क्या होता है? श्वेत कोशिकाएं, लाल कोशिकाएं, प्लाज्मा, सभी विकल्प सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 32 का लाल रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33 है, हीमोग्लोबिन क्या होता है? प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वसा होता है, विटामिन होता है। तो जो हीमोग्लोबिन है वो प्रोटीन होता है, मतलब 33 का ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34, निम्नलिखित में से वर्णक प्रोटीन कौन सा है? वर्णक मतलब क्रोमोप्रोटीन कौन सा है? ऑप्शन ए दिया है म्यूसिन, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, पेप्टॉन, विटेलिन। तो ऑप्शन ठीक हो जाएगा 34 का ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35, निम्नलिखित में से कौन सा हीमोग्लोबिन का एक प्राथमिक कार्य है? मतलब कुछ कार्य दिए गए हैं, तो इसमें हीमोग्लोबिन जो ब्लड होता है उसका क्या कार्य है? ऊर्जा का उपयोग करना, रक्तता होने से रोकना, बैक्टीरिया का विनाश करना, ऑक्सीजन का वहन करना। तो इसके क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का वहन करना, ऑप्शन डी इसका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन रक्त में ऑक्सीजन अभिग्रहण का कार्य करता है? अभिग्रहण ले जाने का कार्य करता है, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, श्वेत रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपके सामने 37, रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाली प्रोटीन को कहते हैं? कोलेजन, इंसुलिन, हीमोग्लोबिन, एल्ब्यूमिन। तो इसका आंसर हो जाएगा 37 का सी हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्रित प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है, मतलब भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? लोहा, रजत, तांबा, स्वर्ण। भरपूर मात्रा में लोहा पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों में डैश के निर्माण के लिए आवश्यक होता है विटामिन B12, विटामिन ए, आयरन, कैल्शियम। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा आपका आयरन, ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सी गैसें रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करती हैं? नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तो ऑप्शन 40 का ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षित अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? पेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किसकी ऑक्सीजन के सापेक्ष हीमोग्लोबिन से अधिकतम बंधुता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इसका आंसर ठीक हो जाएगा ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संलिप्त बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, शुद्ध नाइट्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम का मिश्रण। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से हीमोग्लोबिन की निम्न में से किसके साथ उच्चतम समानता है? SO2, CO2, CONO2। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा सी, CO।
क्वेश्चन नंबर 45 दिया है आपके सामने, मानव रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड परिवहनित होती है कार्बोनिक अम्ल के रूप में, सोडियम कार्बोनेट के रूप में, सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में, पोटेशियम कार्बोनेट के रूप में। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा सी, सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में। क्वेश्चन नंबर 46 है, रक्त में अधिकांश CO2 ले जाया जाता है एरिथ्रोसाइट के भीतर, प्लाज्मा में घुलकर कार्बोनिक एसिड के रूप में, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ। 46 का आंसर हो जाएगा आपका कार्बोनिक एसिड के रूप में। क्वेश्चन नंबर 47 दिया है, मानव शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग रक्त द्वारा शरीर के विशेष भागों में लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कर्षण करता है, वायुनलिका, स्वर तंत्र, श्वास नलिका, वायुकोष्ठिका। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो जाएगा डी, वायुकोष्ठिका। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य में श्वसन रंजक है, हीमोसाइनिन, हीमोइरिथ्रिन, बीटा कैरोटीन, हीमोग्लोबिन। तो 48 का आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 49 दिया है, किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय होता है, मेंढक, मत्स्य, मानव, केंचुआ। तो 49 का ऑप्शन हो जाएगा डी, केंचुआ। लास्ट क्वेश्चन है आज का इस सेशन का, हीमोग्लोबिन के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर पॉइंट नंबर 1 दिया है, यह रक्त में ऑक्सीजन का वहन करता है, परिवहन करता है, सही है। ऑप्शन बी यह है लोहे युक्त यौगिक है, सही है। नंबर 3, यह है कुछ रोगों के विरुद्ध प्रतिरक्षा करता, कुछ रोगों के विरुद्ध नहीं सबके प्रति करता है, ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर 4, यह है रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ए, ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 तथा 4, तो इसका सही है। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, आई होप कि सभी को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। सभी अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू ऑल ऑफ।